नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल प्रतिमा यूनिक डायरी में। दोस्तों, भादो मास में पड़ने वाली परिवर्तनी एकादशी के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस दिन पड़ रही है, व्रत किस दिन रखेंगे, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा विधि क्या होगी, आपको किन चीज़ों का इस दिन दान करना चाहिए जो कि बहुत शुभ होता है, साथ ही साथ आपको कौन से काम करने चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस बार एकादशी जो है वो दो दिन पड़ रही है। शुरुआत होगी 25 सितंबर को सुबह 7:55 से और 26 सितंबर को सुबह 5 ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ऐसे में दो दिन यानी 25-26 सितंबर को व्रत रखा जाएगा। गृहस्थ लोग सोमवार 25 सितंबर को सोमवार को रखेंगे व्रत और जो वैष्णव लोग हैं वो 26 सितंबर मंगलवार को व्रत रखेंगे। गृहस्थ को 25 को रखना है सोमवार के दिन। अब जान लेते हैं कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत का पूजा का मुहूर्त क्या है, क्या रहेगा। तो दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखिएगा, 25 से शुरू हो रहा है सुबह 7:55 से और 26 को एकादशी ख़त्म हो रही है, सुबह 5 तक रहेगी, 5 ख़त्म हो जाएगी सुबह सुबह ही 26 को। तो एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय पर प्रारंभ होता है और उसके बाद समाप्त होता है। ऐसे में 25 सितंबर को ही एकादशी का व्रत रखना उत्तम माना जाएगा। अगर दो एकादशी तिथि ऐसे सूचीबद्ध की गई हो जैसे इस बार पड़ रहा है, तो आपको पहली डेट जो पड़ती है एकादशी की, उस पर व्रत का पालन करना चाहिए। इसलिए बोला है कि व्रत जो है वो 25 तारीख को ही रखा जाएगा, सोमवार के दिन। गृहस्थ जन को तो स्पेशली रखना है 25 तारीख को। भगवान विष्णु के पूजन का जो समय रहेगा वो 25 तारीख को सुबह 9:12 से 10:42 तक। टाइम आप पूजा का नोट कर लीजिए, सुबह 9:12 से 10:42 तक पूजा का समय रहेगा। राहु काल क्या रहेगा, सुबह 7:41 से 9:12 तक राहु काल है, इसलिए इसमें पूजा मत करिएगा। 9:12 तक राहुकाल रहेगा, ठीक है, तो उसमें पूजा नहीं करनी है, उसके बाद आपको करनी है। और व्रत का पारण जो है 26 सितंबर को करेंगे। 25 को व्रत है, 26 को पारण करिएगा। दोपहर को पारण का समय है, दोपहर 1:25 से 3:49 यानी 50 तक लगभग। पारण पर ध्यान देना है आपको, पारण जो है दोपहर को होगा इस बार 26 तारीख को। परिवर्तनी एकादशी की मान्यता क्या है कि भगवान विष्णु इस दिन नींद से उठकर अपनी करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस दिन कई सारे शुभ योग भी बन रहे हैं, ऐसे में आप कई शुभ और कार्य करना चाहते हैं, शुभ कार्य करना चाहते हैं और भी कोई कार्य करना चाहते हैं, तो आपको इस दिन व्रत, इस दिन आप वो काम कर सकते हैं जो शुभ संयोग है उस समय में। पहला योग बनेगा सुकर्मा योग, जो कि 25 सितंबर को बनेगा, दोपहर 3:23 से 26:46 तक रहेगा, ठीक है, यानी दोपहर 3:23 से शुरू हो जाएगा सुकर्मा योग। तो शाम के समय आप कुछ भी काम कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग जो है वो 25 तारीख को ही रहेगा, सुबह 11:55 से 26 को सुबह 6:11 तक, यानी कि 11:55 से शुरू हो जाएगा ये सर्वार्थ सिद्धि योग। रवि योग 25 सितंबर सुबह 6:11 से सुबह 11:55 तक रहेगा। ये तीन योग तो 25 तारीख को आपको मिल रहे हैं और द्विपुष्कर योग जो है ये 26 को मिलेगा आपको, सुबह 9:42 से रात 1:44 तक। तो 25 को तीन योग बन रहे हैं और 26 को एक योग आपको मिल रहा है अपने शुभ कार्यों को निपटाने के लिए। अब पूजा का मुहूर्त, जैसे कि आपको बता ही दिया है परिवर्तनी एकादशी का, कि पूजा का समय जो है वह 9:12 से 10:42 तक है 25 तारीख को, ठीक है। और पारण जो आपको करना है वो 26 तारीख को करना है। पारण का समय रहेगा दोपहर को 1:25 से लेकर के 3:49 तक, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आइए जान लेते हैं परिवर्तनी एकादशी की पूजा सामग्री क्या है और साथ ही साथ पूजा विधि क्या रहेगी। तो पूजा सामग्री की जो लिस्ट है वो है भगवान विष्णु का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान, ये मुख्य चीज़ें हैं जो आपको भगवान विष्णु की पूजा में लगने वाली हैं। पूजा विधि क्या है, तो सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें, संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें, भगवान की आरती करें और भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाते हुए आपको ध्यान देना है कि सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है और भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा मानते हैं कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं, तो तुलसी आपको ज़रूर शामिल करना है पूजा में। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और भगवान का अधिक से अधिक इस पूरे दिन आपको ध्यान करना चाहिए। अब परिवर्तनी एकादशी के दिन किन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं जिसके आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, तो इस दिन सबसे पहला तो आप करें अन्नदान।
अन्नदान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति के घर का अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहता है और अन्नपूर्णा माता भी बहुत प्रसन्न रहती हैं। इसलिए परिवर्तनी एकादशी के दिन अन्न का दान जरूर करें। पीले कपड़ों का दान करें। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग समर्पित होता है, इसलिए पीले कपड़ों का दान करना शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन करें धार्मिक पुस्तक का दान। इस दिन धार्मिक पुस्तक जरूर दान करें। इससे भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इसलिए इसका धार्मिक पुस्तकों के दान का विशेष महत्व है। इस दिन मिठाई का करें दान। इस दिन मिठाई का दान जरूर करना चाहिए। इससे जीवन में खुशियों का आगमन होता है और ग्रह कलेश कलह से छुटकारा मिलता है। इससे माँ लक्ष्मी भी बेहद प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। जीवन में संबंध आपसी रिश्ते मजबूत बने रहते हैं, मधुर बने रहते हैं। तो दोस्तों ये तो चीज़ें होंगी जो आपको दान करनी चाहिए। इसके साथ साथ ही कंबल का दान भी आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी जो है वो सितंबर महीने में पड़ती है और इसके कुछ ही महीनों बाद से कुछ समय बाद से शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। इसलिए कंबल और गर्म वस्त्र का इस दिन आप दान कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई 4-5 चीज़ें जो आपको इस दिन ज़रूर दान करनी चाहिए। सब नहीं तो जो सक्षम है, जो कर सकते हैं, उन चीज़ों का दान करें। अब जान लेते हैं इस दिन आपको कौन से उपाय करने चाहिए, कौन से काम करने चाहिए। सबसे पहले एकाक्षी नारियल को जान लें। परिवर्तनी एकादशी के दिन घर में एकाक्षी नारियल लाना बहुत शुभ होता है। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और घर में बरकत का वास होता है। एकाक्षी नारियल को विधि विधान से पूजा के बाद पूजा स्थल पर रख देना चाहिए। पीला चंदन दूसरी चीज़ है। भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर तिलक करें। इसी तिलक से स्वयं भी तिलक लगाएं और अपने काम पर निकल जाएं। ऐसा करने से आपका जो भी कार्य है, जिस कार्य के लिए आप निकले हैं, वो कार्य अवश्य पूर्ण होगा। दूसरा हो गया। तीसरा कोई ये मंत्र आपको संतान सुख देगा। निःसंतान दंपति एकादशी के दिन गोपाल मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वा महा शरणम गता। इस मंत्र का आपको, ये गोपाल मंत्र है, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जप करने से शीघ्र ही संतान होने के योग बनता है। तो आपको एकादशी दिन से ये शुरू करें, एक ही दिन नहीं करना है, ये एकादशी से शुरू करके आगे भी कुछ दिन ये करें, डेली एक माला जप करें। तो दोस्तों ये है परिवर्तनी एकादशी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। कब शुरू है, खास करके शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का और पारण का मुहूर्त क्या है, कौन से शुभ योग हैं, पूजा विधि और साथ ही साथ दान क्या करना चाहिए, इन चीज़ों की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।